मुस्कान, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू बेटा? चलो फटाफट बताओ, आवाज आ रही है? माय ऑडिबल? तू जा रहे भी था ना? बिल्कुल, मैंने पानी का गिलास आता था। ओके, कल क्या देखा हमने, बताओ फटाफट मुझे, मैं भूल गया। अच्छा, कल मुझे याद आया, ये मैंने बता दिया था आपको। मैंने ये करवा दिया था ना आपको, एक मिनट मेरी बुक लेके आओ। प्राइस फंड, ओके, प्राइस फंड पे देखते थे। कल पहले मुझे बताओ, हम लोगों ने जो प्रोसेस देखा था, पहले ये समझ में आया था क्या आपको? प्रोसेस क्या देखा हम लोगों ने कल? व्हाट वाज द प्रोसेस? मैं बात कर रहा था सिचुएशन वन की, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट सिचुएशन टू। मैं ये दोनों की बात कर रहा था आपके साथ। बताओ, सिचुएशन वन का मतलब क्या होता है? फास्ट, व्हाट डज मीन बाय सिचुएशन वन? सिचुएशन वन का मतलब क्या होता है, बताओ फटाफट। करेक्ट है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बताओ सिचुएशन टू का मतलब क्या होता है? सिचुएशन टू का मतलब क्या होता है? सिचुएशन टू का मतलब क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। करेक्ट, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है। अब सुनो मेरी बात को, क्या समझा रहा हूं। सिचुएशन वन में जो करेंगे, क्या उसका एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ सिचुएशन टू में करेंगे? आयुष कहाँ गया? आयुष आया कि नहीं आया? वेयर इज आयुष? सिचुएशन वन में जो करेंगे उसके एग्जैक्टली अपोजिट हम कहाँ पे करेंगे? सिचुएशन टू में करेंगे। करेक्ट है, लेकिन आयुष ने कल एक खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया था मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि उस पर क्लैरिटी देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली अपोजिट जब मैंने बोला, तो मुझे बताओ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम सिचुएशन वन में क्या करते हैं? एड, तो सिचुएशन टू में क्या करेंगे? लेस। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम सिचुएशन वन में क्या करते हैं? लेस। तो सिचुएशन टू में क्या करेंगे? एड। करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस वन में क्या करते हैं? लेस। तो टू में क्या करेंगे? एड। प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस वन में क्या करते हैं? एड। तो टू में क्या करेंगे? लेस। करेक्ट है। आयुष कहां पर है? वेर इज आयुष? आयुष को मैं देख, आयुष कहां पर है? आयुष दर्शना कहां पर है? आयुष तेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। मैंने कल ये कहा कि जो वन में करते हैं टू में उसका एग्जैक्टली अपोजिट करेंगे। तो कल आयुष ने मेरे को एक, मुझे क्वेश्चन पूछा, उसका फोन आया था कि सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब बनाते हैं तो क्या हम प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं? आयुष बोल हाँ। प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस होगा तो उसके लिए भी क्या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं? हाँ। अब उसका क्वेश्चन ये था कि सिचुएशन टू में क्या ये जो है ये भी उल्टा हो जाना चाहिए? करेक्ट आयुष, रिवर्स हो जाना चाहिए, मतलब आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग इनकम यहाँ पे आनी चाहिए एंड आउटस्टैंडिंग, अरे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यहाँ पे आना चाहिए। एम आई करेक्ट आयुष? यही क्वेश्चन था। आयुष मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है।
हाँ, बट ऐसा नहीं होता है ना बेटा, ऐसा नहीं होता है ना, ये मेरी बात नहीं समझे तुम लोग, मैं जब बोला, मैंने जब ये कहा कि पूरा उल्टा करना है, तो क्या प्रिंसिपल उल्टा कर दोगे क्या? ये तो ये मतलब उल्टा करना मतलब प्रोसेस को उल्टा करना है, प्रिंसिपल को थोड़ा उल्टा कर देंगे, जो डेबिट और क्रेडिट थोड़ी होने लगेगा। एक मिनट, मैं यहां से देखता हूं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेक्ट है। मान के चलो कि करंट ईयर की इनकम थी, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की इनकम थी 80,000, उसमें हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड कर दिया 20,000। तो अब मुझे बताओगे आउटर कॉलम में कितना आ गया, 1 लाख रुपीस, कितना आ गया 1 लाख रुपीस। क्या हम ये 1 लाख रुपीस को करंट ईयर की इनकम कह सकते हैं? मे आई कॉल इट एज दिस 1 लाख रुपीज एज करंट ईयर की इनकम? करेक्ट, ओके, सभी अच्छे हाँ बोल रहे। इसमें से सिर्फ 80,000 रिसीव हुआ, वही ना, इसीलिए तुमने 20,000 आउटस्टैंडिंग लिखा है ना। तो मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या समझ में आया आपको, कि 1 लाख करंट ईयर की इनकम है, लेकिन उसमें से करंट ईयर में रिसीव कितना हुआ, 80,000। यू अग्रीड विद दिस? तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पूरा 1 लाख आएगा कि सिर्फ 80,000 आएगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो पूरा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ 80,000 आएगा। कितना आएगा? सिर्फ 80,000 आएगा। एक और क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? 80,000 है। क्या उसमें हम करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या ऐड करते हैं? और आंसर क्या आता है? 1 लाख रुपीस। और यही क्या बन जाता है? सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यू ऑल अग्रीड विद दिस? हाँ सर, अग्रीड है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अगर यहां से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना था, तो क्या ये ऐड हुआ? तो क्या हुआ, ये ऐड हुआ। तो बताओ यहां से जब यहां जाना होगा तो क्या होगा, ये लेस होगा। अग्रीड। लेकिन जब मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊं, क्या बनाऊंगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊंगा, तो क्या हम जर्नल एंट्री को पूरा मतलब, चलो ऐसा देखते हैं, ऐसा समझते हैं। अब मुझे बताओ कॉमन सेंस अप्लाई करना, ये ही 20,000 नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? ये करंट ईयर का क्लोजिंग है, तो यही 20,000 नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ ना मैं आंसर करोगे, यही नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके, तो नेक्स्ट ईयर में वापस बनाता हूं मैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट ईयर में अगेन 1 लाख रुपीज आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 1 लाख रुपीज आना चाहिए था। करेक्ट है, 1 लाख रुपीज आना चाहिए था। ऐसे देखते हैं, करंट ईयर की जो रिसीट हुई वो 1 लाख रुपीज की हुई, और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 10,000 रुपीज है। करंट ईयर की रिसीट कितनी हुई? करंट ईयर की रिसीट 1 लाख रुपीज हुई, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 10,000 रुपीज है। मुझे बताओ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? क्या प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपीज था? प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग बन जाता है क्या? यू ऑल अग्रीड विद दिस? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपीज। क्या करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे क्या, और उसमें से प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे, लेस कर देंगे क्या? एम आई करेक्ट? तो बताओ ये क्या आएगा, ऐड करो 1,10,000 माइनस 20,000, तो कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है ये, क्या ये 90,000 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 90,000। तो क्या 90,000 क्या इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बताओ करंट ईयर की इनकम कितनी होगी, करंट ईयर की इनकम सब्सक्रिप्शन की इनकम will be of 90,000 rupees, will be of 90,000 rupees। you all agreed with this? हाँ, current year की income 90,000 होगी। अब मुझे बताओ जैसे हम यहां से यहां आए, तो हमने यहां से यहां मतलब क्या था, receipts and payment account से income and expenditure account में आने के लिए current year का outstanding add हुआ,
तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हुआ? लेस हुआ। सिमिलरली अगर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तक आना था, तो बताओ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड किया था तो यहां पे क्या करेंगे? लेस करेंगे। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस किया था तो यहां पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? 1 लाख रुपीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यू ऑल अग्रीड विद दिस? तो ये बन गया आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग। अब मैं बना रहा हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आयुष ध्यान से सुनेगा मेरी बात, ठीक है ना? मैं ये तेरे लिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अब मैं बना रहा हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या ब्रॉट डाउन करते हैं क्या? लेकिन प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग क्या होता है? एसेट होता है, और एसेट का बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है। तो आयुष मुझे सोच के बता, एसेट का बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है तो क्या मैं ये पूरा प्रिंसिपल चेंज कर दूं, उसको क्रेडिट कर दूं? पॉसिबल ही नहीं है। क्रेडिट करूंगा तो आंसर ही नहीं आएगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखना होगा। कितना लिखना पड़ेगा? 20,000। आयुष कह रहा था इसको भी रिवर्स करते हैं, इसको भी उल्टा लिखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है ना आयुष, अगर उल्टा लिखेगा तो यू आर चेंजिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स। यू आर ट्राइंग टू चेंज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्या मैं प्रोसेस एडलेस को उल्टा करने के लिए क्या पूरा प्रोसेस, मतलब पूरा प्रिंसिपल चेंज कर दूं? पॉसिबल नहीं है। चेक कर लेते हैं। मुझे बताओ करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ था? 1 लाख रुपीज। मैं ऑलवेज कहता हूं करंट ईयर की एंट्री पास करेंगे, करंट ईयर की एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय कैश कितना लिखेंगे? 1 लाख रुपीज। बताओ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 10,000 रुपीज था। उसकी भी जरा एंट्री पास करेंगे तो करंट ईयर की, हाँ, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना है ये? 10,000 रुपीज। चेक कर लो, 1 माइनस 20। मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? 1 लाख ही था ना ये? कितना रिसीव हुआ था? 1 लाख। ओके, 1 लाख ही रिसीव हुआ था। क्या हो गया ये बताओ? कितना आ रही है? चेक करो, 1 माइनस 20। कुछ तो गलत हुआ है या एडलेस गलत हुआ था क्या? 1 प्लस 10, 1 लाख 10,000, 5 माइनस 20,000। हाँ, ये गलत लिखा ना मैंने, दिस इज रॉन्ग। करेक्ट है। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री क्या होती है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो क्या लिखेंगे यहां पे? बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो मुझे बताओ बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना लिखेंगे? 10,000 रुपीज। तो अब कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बता दो आंसर क्या आएगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या 90,000 का आंसर आएगा कि नहीं आएगा आपका? आयुष अब मुझे सोच के बता, तूने ये अगर यहां लिखा होता तो क्या ये आंसर 90,000 आता? आयुष तू मुझे सोच के बता भाई, तूने ये यहां पे लिख दिया होता तो क्या ये आंसर 90,000 आता? अगर आंसर 90,000 नहीं आता तो तू गलत हो जाता। तो सोचने का तरीका, मैंने क्या बोला, प्रोसेस उल्टा करना है, उसका मतलब प्रिंसिपल्स चेंज नहीं करने बाबा। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा प्रोसेस उल्टा करना है, मतलब ये एडलेस जो कर रहे हो ना, जो यहाँ पे ऐड होगा यहाँ पे क्या करोगे? लेस। यहाँ पे लेस होगा यहाँ पे क्या करोगे? ऐड। तो क्या सब्सक्रिप्शन के अकाउंट के बेसिक प्रिंसिपल्स चेंज कर दोगे क्या? आप अकाउंट्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को चेंज कर दोगे क्या? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। और सारे बच्चे एक और बात ध्यान से सुने यार, जब अकाउंट बनाते हैं ना तो हो सकता है अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव हमारा ऑलवेज क्या होता है कि हमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हमें? मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है। वी नीड टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। हमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है, इसीलिए हम क्या बनाते हैं? अकाउंट्स बनाते हैं। हमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी होती है, हेंस यू प्रिपेयर अकाउंट्स। हम इसीलिए क्या बनाते हैं? अकाउंट्स बनाते हैं। अब हो सकता है कि आपके पास ये वाली वैल्यू नहीं दी है और आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला दिया हुआ है। तो क्या आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला दिया हुआ है तो क्या आप पूरा प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल क्या उल्टा कर दोगे क्या इसमें? आयुष समझ में आया बेटा तुझे? अभी यहां पे मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला सब्सक्रिप्शन अगर दिया हुआ है तो क्या इसकी हेल्प से यही सेम प्रिंसिपल फॉलो करके वुड यू बी एबल टू फाइंड सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट?
तो क्या यहाँ पे बाय कैश 1 लाख मिलता था कि नहीं मिलता था आयुष तुझे? That's it. अभी समझ में आया तो आयुष हाँ बोल दे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अभी यहाँ पे ये प्रोसेस उल्टा करना, मतलब जो एडलेस करते उसे उल्टा करना, लेकिन अकाउंट्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को उल्टा मत कर देना, अदरवाइज तो गलत हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, चलो वंडरफुल। मैंने कल का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ, मैंने प्रोसेस वाइज मैं 2-4 बातें आपको वापस पूछ लूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जब हम जाते हैं बेटा, तो नंबर 1 2 लाइन ब्लैंक छोड़ोगे, करेक्ट है। नंबर 2 डेप्रिसिएशन सरप्लस डेफिसिट विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ योर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नंबर 4 एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ योर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। Agreed? And there might be a possibility if opening balance sheet अगर आप बनाते हो तो आपको क्या यहाँ का 2 balance brought down मिल जाएगा क्या? और closing balance sheet अगर आपके पास बनाई है या तो ready-made available है तो क्या यहाँ से क्या carry down मिल जाएगा क्या? Generally receipts and payment account में दोनों में से एक balance क्या होगा आपका? Missing होगा। दोनों में से एक balancing figure आएगा। क्या आएगा दोनों में से? क्या आएगा आपका? Balancing figure। इसीलिए मैं ऑलवेज कहता हूं whenever you prepare receipts and payment account, it is really important that you should leave couple of lines blank. Okay? You get my point very clear? कल एक फंड वाली बात बच्चों को नहीं समझ में आई थी, मेरी बात ध्यान से सुनोगे मैं उस पर एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, लिसन मी वेरी केयरफुली। मैंने एक फंड वाली बात बताई थी आपको, पहले समझते हैं फंड वर्ड कब यूज होता है। मैंने कहीं बोला था कि मैं आपको फंड वर्ड का एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं आज एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। अब आगे चल के आपको सीए इंटर या फाइनल लेवल पे कोई समझाने वाला नहीं है, दे ऑलवेज प्रिज्यूम कि आप समझ के आए होंगे सारी बातें। ओके, मैं जरा वीडियो म्यूट करता हूं ताकि लिखने में आसानी हो। अच्छा मुझे बताओ जरा, हाँ ना मैं आंसर करोगे बेटा? एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, एनपीसी के पास एनपीसी रिसीव्ड अ डोनेशन ऑफ रुपीज 10 लाख, all distribution of for distribution of prizes. हाँ चलो, यस यस बोलते हो, चलो जरा ताकि समझ में, बच्चे सो नहीं रहे, ठीक है ना। प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मान के चलो कोई ये स्पोर्ट्स क्लब है, क्या है ये एनपीसी, क्या है एक स्पोर्ट्स क्लब है, इट्स अ स्पोर्ट्स क्लब। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एनपीसी रिसीव 10 लाख का डोनेशन, एनी वन कैन टेल मी अबाउट द जर्नी एंट्री फॉर द सेम, कोई मुझे इसकी जर्नी एंट्री बता सकता है क्या? यस, कोई जर्नी एंट्री बता सकता है क्या? कैश टू डोनेशन, मुस्कान ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, कैश टू डोनेशन, वेरी गुड मुस्कान, वंडरफुल। तो मैं ऐसा लिखता हूं, कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज टू, मैं लिख सकता हूं डोनेशन फॉर प्राइस 10 लाख रुपीज। ये डोनेशन जो है ये जनरल डोनेशन है कि स्पेसिफिक डोनेशन है? ये जनरल डोनेशन है कि स्पेसिफिक डोनेशन है? श्रुति ने कहा स्पेसिफिक डोनेशन है, मुस्कान ने कहा स्पेसिफिक डोनेशन है, सबका आंसर स्पेसिफिक डोनेशन आया है। ओके, लिसन मी केयरफुली नाउ,
अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, क्या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या यहाँ पे डोनेशन फॉर प्राइज आएगा, क्या कितना आएगा, 10 लाख रुपीस, और उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्या डोनेशन फॉर प्राइज फंड हो जाएगा, क्या डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड करेक्ट कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपीस. इफ यू ऑल अग्रीड विद दिस यू से यस, अदरवाइज यू से नो. अगर आप सभी लोगों को, अगर अभी आप सभी लोग इस बात से अग्रीड हो तो आप मुझे हाँ बोलोगे, अदरवाइज ना बोलोगे. सबने कहा, सबने तो नहीं कहा, कुछ बच्चों ने कहा हाँ सर वी अग्रीड विद दिस. ध्यान से मेरी बात सुनना. मान के चलो दिस डोनेशन वी रिसीव्ड ऑन 1st April 2018. ये डोनेशन कब रिसीव हुआ था, ये डोनेशन रिसीव हुआ था 1st April 2018, एनपीसी के पास 10 लाख रुपीज आया था, करेक्ट. लेकिन एनपीसी को ये जो पैसा यूटिलाइज करना है, ध्यान से सुनना है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा ना तो ऐसे ही कुछ नहीं समझना है. एनपीसी को ये जो डोनेशन यूटिलाइज करना है, ये कब यूटिलाइज करना है, 1st October 2018 को यूटिलाइज करना है. कब यूटिलाइज करना है, 1st October 2018 को यूटिलाइज करना है. तो बताओ अप्रैल से लेके अक्टूबर कितने मंथ्स होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्या 6 मंथ्स होते हैं, क्या कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स. यू ऑल अग्रीड विद दिस, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ओके. सब बच्चे बोल रहे 6 मंथ्स होते हैं, बच्चे अच्छे हैं, कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स होते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, नहीं सर इसमें कंफ्यूजन नहीं. कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये जो 10 लाख रुपीज आज जो कैश में रिसीव हुआ है, इसकी जरूरत आज है, वी नीड दिस, मतलब एनपीसी रिक्वायर्ड दिस 10 लाख रुपीज टुडे, कि एनपीसी रिक्वायर्ड दिस 10 लाख रुपीज आफ्टर 6 मंथ्स, कब जरूरत है, आफ्टर 6 मंथ्स. कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये 10 लाख रुपया अगर आप कैश बॉक्स में रखोगे, कहां पे रखोगे, कैश बॉक्स में रखोगे, तो क्या लग रहा है, क्या ये 10 लाख रुपीज इंक्रीज होगा 6 महीने के बाद, कि उतने का उतना ही रहेगा. अगर आपने ये 10 लाख रुपया कैश बॉक्स में रखा है तो आफ्टर सिक्स मंथ्स आपको क्या 10 लाख का 10 लाख ही मिलेगा कि उससे ज्यादा मिलेगा. आफ्टर 6 मंथ्स यू विल रिसीव 10 लाख ओनली, और यू विल रिसीव समथिंग मोर देन 10 लाख, उतना ही रहेगा. सबका आंसर क्या है, उतना ही रहेगा. एक बिजनेसमैन ऑलवेज क्या सोचता है आपको पता है, आइडल कैश इज अ लॉस, आइडल कैश इज अ लॉस. अगर आपके पॉकेट में प्रॉफिट क्या, हितसी प्रॉफिट क्या, आई डिडंट गेट इट. अगर आपके पॉकेट में 10 लाख रुपया है, आपके कबाड़ में 10 लाख रुपया है, और आप उसको कबाड़ में 6 महीने तक रखते हो, तो ये तो आइडल कैश हो गया ना, ये तो आइडल कैश हो गया, करेक्ट है, आइडल कैश हो गया, ये तो आइडल कैश हो गया बेटा. पॉकेट में पैसा होने से कभी पैसा इंक्रीज होता नहीं है, पॉकेट में पैसा रहने से कभी पैसा इंक्रीज होता नहीं है, इसे आइडल कैश कहते हैं. अगर आप पैसा पॉकेट के पॉकेट में रखोगे तो एक बिजनेसमैन तो यही सोचेगा नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है. एक बिजनेसमैन के पॉइंट भी सोचेंगे, करेक्ट है. रिया ने कहा आइडियल नहीं, आइडियल रखने से अच्छा है इन्वेस्ट कर दे, क्या कर दे उसे, इन्वेस्ट कर दे, करेक्ट है. आप उसको 10 लाख रुपया आइडियल रखो, उससे अच्छा बेटर है कि 6 मंथ्स के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दो ना, 6 मंथ्स के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दो, 6 मंथ्स के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दो. मुझे बताओ इन्वेस्ट करेंगे, हमने इन्वेस्ट कर दिया, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जहां पे रिस्क ना हो, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जहां पे क्या ना हो, रिस्क ना हो, ताकि हमारा पैसा सेफ रहे. ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना ताकि क्या ना हो, उससे रिस्क ना हो, तो पैसा क्या रहे, सेफ रहे. कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, जब पैसा आया था तो एंट्री क्या पास की थी आपने, कैश अकाउंट डेबिट किया था कितने से, 10 लाख टू डोनेशन फॉर प्राइज फंड, सॉरी टू डोनेशन फॉर प्राइज, क्या 10 लाख रुपीज,
अब उसी को ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसी को ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बताओ एंट्री क्या पास करेंगे, उसी को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एंट्री क्या पास करेंगे, उससे इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं तो एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे हम, एंट्री पास करेंगे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा, 10 लाख रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने से होगा, 10 लाख रुपीज। बेटा जब भी इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट आएगा तो पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो पैसा जाएगा। तो मुझे बताओ, और ये जो इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया, आपको नहीं लगता है वो जो प्राइस फंड आया था, जो प्राइस का पैसा आया था, उसके पैसों से हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा? इसीलिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट के साथ कौन सा वर्ड अटैच कर दिया, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। क्या वर्ड अटैच कर दिया, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। आपको अगर मेरी बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आए तो ना बोलोगे। और मैं, और जो पैसा आया था, जो पैसा आया था, जो इन हुआ था, क्या वही पैसा आउट भी हो गया क्या, जो पैसा इन हुआ था क्या वो पैसा आउट भी हो गया क्या? यू ऑल अग्रीड विद दिस? ओके, अगर इसकी बैलेंस, अगर वापस, अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन, अगर इसका प्रेजेंटेशन की बात करें तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, प्रेजेंटेशन की बात करूं तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, क्या मैं यहां पे बाय प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज लिख सकता हूं क्या? क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक कैशबुक है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, एक कैशबुक है। तो क्या मैं यहां पे बाय प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट लिख सकता हूं क्या? और यही प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, यही प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट में कहां पे आता है, एसेट साइड पे आता है। कहां पे आता है, एसेट साइड पे आता है। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना। जो पैसा आया था वो पैसा चला गया, जो इन हुआ था वो क्या हो गया, आउट हो गया। और उसकी जगह पे क्या आ गया हमारे पास, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट आ गया। क्या आ गया हमारे पास, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट आ गया। यू अग्रीड विद दिस? जिस जो जो डोनेशन के अगेंस्ट में, जो डोनेशन के अगेंस्ट में पैसा आया था और जब हम उसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम अकाउंटिंग टर्म में उसे फंड वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, फंड वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। इसे अब हम कहेंगे प्राइस फंड। क्या कहेंगे उसे, प्राइस फंड। सीए फाइनल तक ये बात याद रखना, सीए फाइनल तक ये बात याद रखना कि कहीं पर भी जब आपने फंड वर्ड देखा, क्या वर्ड देखा, फंड वर्ड, उसका मतलब ये है कि उसके अगेंस्ट में, मतलब ये जो भी फंड आया है उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्या हुआ है, उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट हुआ है, तभी जाके फंड वर्ड यूज हो सकता है, अदरवाइज फंड वर्ड अकाउंट में यूज होता नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, जहां पर भी आपने बैलेंस शीट में देखा बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड, आई होप यू गेट माई पॉइंट, रिजर्व फंड, फंड वर्ड तभी यूज होता है जब उस पर्टिकुलर डोनेशन के अगेंस्ट में या उस पर्टिकुलर रिसीट के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्या ये प्राइस फंड के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट हुआ है? हाँ, प्राइस फंड के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट हुआ है तो इसे हम प्राइस फंड कहेंगे। लेकिन जैसे ही फंड वर्ड आया तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ जानी चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ जानी चाहिए कि फंड वर्ड तभी यूज होता है जब उसके अगेंस्ट में क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये प्राइस फंड के अगेंस्ट में है। जो प्राइस फंड का 10 लाख रुपया आया था उसी को इन्वेस्ट किया था, उसी को इन्वेस्ट किया था, तभी जाके फंड वर्ड यूज होता है, अदरवाइज फंड वर्ड यूज नहीं होता है। मान के चलो यहाँ पे बिल्डिंग फंड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग फंड लिखा हुआ है। तो बताओ बिल्डिंग फंड लिखा हुआ है तो यहाँ पे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, तब जाके बिल्डिंग फंड लिख सकते हैं, अदरवाइज बिल्डिंग फंड नहीं लिख सकते। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर, ये सबको समझ में आया होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलो। यू अग्रीड विद दिस? ओके, बच्चे कह रहे समझ में आया। ओके, लिसन मी नाउ वेरी केयरफुली, मैं वापस एक बात बोलता हूँ, सुनोगे। मुझे बताओ ये इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था 10 लाख रुपए का, ये इन्वेस्टमेंट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? ये इन्वेस्टमेंट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको 6 महीने में कुछ कमाने को मिले, इनकम मिले, 6 महीने में कुछ इनकम मिले। मान के चलो 10% इंटरेस्ट मिलेगा, उन्होंने बैंक में FD कर दी, बैंक में FD करना भी एक इन्वेस्टमेंट है, बैंक में FD करना भी एक इन्वेस्टमेंट है, बैंक में FD कर दी और वहां से 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो बताओ 10 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना होगा, 10 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना होगा, 10 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना होगा,
10 लाख का 10% इंटरेस्ट, क्या 50,000 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमें तो 6 मंथ्स का चाहिए ना, कितने मंथ्स का चाहिए? 6 मंथ्स का चाहिए हमें तो, कितने मंथ्स का चाहिए? 6 मंथ्स का चाहिए। यू अग्रीड विद दिस? इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई भी कंफ्यूजन? मुझे बताओ, ये जब, हाँ, ये जब इंटरेस्ट आएगा 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा तो एंट्री क्या पास करोगे? ये जब 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा तो एंट्री क्या पास करोगे? ये जो 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा तो एंट्री क्या पास करोगे? मैं बताऊं एंट्री क्या पास करेंगे? मैं बताता हूं, रुक जाओ। एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया? 50,000 रुपीज। करेक्ट है वैभव, यू आर राइट। टू प्राइस फंड अकाउंट, प्राइस फंड अब इंक्रीज हो जाएगा। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अब आपके पास प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 10 लाख रुपया है कि 10,50,000 है? नाउ यू हैव 10 लाख रुपीज और यू हैव 10,50,000 रुपीज। माई क्वेश्चन टू यू, नाउ यू हैव 10 लाख रुपीज और यू हैव 10,50,000 रुपीज? नाउ यू हैव 10 लाख रुपीज और 10,50,000 रुपीज? नाउ यू हैव 10,50,000 रुपीज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस, प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब आपके पास कितना पैसा है? अब आपके पास 10,50,000 है। तो आपको नहीं लगता है ये, अब ये आपको नहीं लगता है ये जो 50,000 की, ये 50,000 का जो इंटरेस्ट आया है, ये 50,000 का जो इंटरेस्ट आया है, ये इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड के रिलेटेड स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है। रिपीट कर रहा हूं, ये 50,000 का इंटरेस्ट जो आया है, ये 50,000 का इंटरेस्ट जो आया है, ये 50,000 का इंटरेस्ट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकते हो। अगर आपने उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया तो आपकी बैलेंस शीट तो टैली होगी, बट प्रिंसिपली यू आर रॉन्ग। आपकी बैलेंस शीट तो टैली होगी बट प्रिंसिपली यू आर रॉन्ग। क्योंकि जब आपके पास ये आया था तो मुझे बताओ एंट्री क्या पास की थी? कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर प्राइस फंड, टू डोनेशन फॉर प्राइस फंड। तो क्या हमने क्या एक अकाउंट ओपन किया होगा क्या उस टाइम पे? और अकाउंट का नाम क्या था? प्राइस फंड अकाउंट। तो बताओ प्राइस फंड अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ होगा बाय कैश? कितना क्रेडिट हुआ होगा? क्या 10 लाख रुपीज क्रेडिट हुआ होगा क्या? यू ऑल अग्रीड विद दिस? अब मुझे बताओ उसी पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करके 50,000 का इंटरेस्ट आया, क्या ये स्पेसिफिक फंड के अगेंस्ट में स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट हुआ था और वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ने कुछ इंटरेस्ट जनरेट किया था? तो ये फंड में ऐड होना चाहिए। किसमें ऐड होना चाहिए? फंड में ऐड होना चाहिए। मतलब फंड में ऐड होना चाहिए तो अकाउंटिंग फॉर्म में फंड में ऐड होना चाहिए। तो अब आपका फंड 10 लाख रहेगा कि 10 लाख प्लस 50,000? ये 10,50,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10,50,000 हो जाएगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो बताओ अकाउंट में क्या करेंगे? आपको अगर एडलेस करना आता है तो आपको अकाउंटिंग फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। तो क्या आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय कैश? क्या लिख सकते हो बाय कैश? क्या 50,000 रुपीज लिख सकते हो? अरे हाँ या ना, आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब बताओ, अब आपके प्राइस फंड में, अब क्लब के पास जो प्राइस फंड अवेलेबल है वो 10 लाख का है कि 10,50,000 रुपीज का है? अब क्लब के पास जो प्राइस फंड अवेलेबल है वो कितने का है? 10,50,000 रुपीज का है। मतलब ये क्लब की लायबिलिटी है, ये क्लब की लायबिलिटी है, क्लब की लायबिलिटी है कि जब भी आप, हाँ आई वुड रादर से कि जब भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप ये 10,50,000 से करोगे। मतलब प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको 10,50,000 स्पेंड करने का आपका ऑब्लिगेशन है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 10,50,000 आपका स्पेंड करने का ऑब्लिगेशन है। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट वेरी वेल। अब मुझे बताओ, आपने ऐड कर दिया 50,000, मान के चलो 1 लाख रुपीज के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुए, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुए तो क्या करोगे? 1 लाख रुपीज के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुए तो क्या करोगे? पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, पैसा जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता आप 1 लाख यहाँ से माइनस कर दोगे? तो आपके पास प्राइस फंड बचेगा कितना? 9,50,000। याद रखना, कोई स्पेसिफिक फंड है और उस स्पेसिफिक फंड के अगेंस्ट में कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है तो उससे जो भी इनकम जनरेट होगी वो इनकम, वो इंटरेस्ट उसी फंड में ऐड होना चाहिए। और उसका कोई भी एक्सपेंस होगा तो उसी फंड से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। उसी फंड से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। उसी फंड से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। यू अग्रीड विथ मी? आप मेरी बात से अग्रीड हो? मेरी बात से अग्रीड हो? मुझे बताओ, 1 लाख रुपीज का प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया, 1 लाख रुपीज का प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया, एनीवन कैन टेल मी अबाउट द जनरल एंट्री? उसकी जनरल एंट्री क्या आएगी? इसकी जनरल एंट्री आएगी प्राइस
फंड अकाउंट डेबिट, प्राइस फंड अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 1,00,000 रुपीज टू कैश कितने से होगा? 1,00,000 रुपीज तो आपको नहीं लगता है यहां पे हम टू कैश लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 1,00,000 रुपीज 10 + 50 - 1 कितना हो जाएगा? 9,50,000 कितना हो जाएगा? 9,50,000 तो कैरी डाउन बैलेंस कितना है? 9,50,000 है। चेक करो आपके पास अकाउंट, हाँ प्राइस फंड का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब लायबिलिटी, हाँ क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? प्राइस फंड मतलब ये तो एक लायबिलिटी है, तो क्या 9,50,000 की आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिख रहा है क्या आपको? यहाँ कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, जब ये 50,000 हमने ऐड किया था तो पैसा आया था, ये माइनस किया था तो पैसा गया था, ऐड किया था तो पैसा आया था, माइनस किया था तो पैसा गया था। कल वाले क्वेश्चन में आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन था? इलस्ट्रेशन 30 था, इलस्ट्रेशन 30 था। कल वाले क्वेश्चन में आ जाओ, इलस्ट्रेशन 30 की बैलेंस शीट में जरा चेक करो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चेक करो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 जरा चेक करो। क्या उसमें इंटरेस्ट ऐड किया है? किसमें इंटरेस्ट ऐड किया? प्राइस फंड, फंड लिखा मतलब प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, देख लो प्राइस फंड लिखा है तो क्या सामने प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? फंड वर्ड तभी यूज होता है जब उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट हो। तो क्या आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्या प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? उसका इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट आया तो कहां पे ऐड होना चाहिए? प्राइस फंड में ऐड होना चाहिए। लेकिन एक और कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, इंटरेस्ट आया तो प्राइस फंड में ऐड होना चाहिए, तो पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट भी तो होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता ये 50,000 का इंटरेस्ट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट होगा? हाँ डेबिट होगा। आपको नहीं लगता ये 1,00,000 का जो हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया ये भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा? हाँ क्रेडिट होगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। कल मैंने जो आपको लिखवाया था आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इलस्ट्रेशन 30 के अकॉर्डिंग, क्या मैंने 1,000 रुपीज क्या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट करवाया था? और जो लेस करके प्राइसेस लिखा है 2,000 रुपीज क्या वो मैंने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट कराया था? अब इसका लॉजिक समझा तो हाँ बोलोगे, नहीं समझा तो ना बोलोगे। अब इसका लॉजिक समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। कल जिसको भी क्वेश्चन था कि सर वो बात समझ में नहीं आई थी, अब ये समझ में आ गई क्या? कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे फटाफट। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली अब जरा समझ, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जस्ट टू एक्सप्लेन वन ट्रांजैक्शन, वन एडजस्टमेंट, एक ही एडजस्टमेंट को समझाने के लिए आई टुक हाफ एन आवर। बेटा इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग, इट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सीए कोर्स। दिस इज द रियलिटी कि जब तक आप ऐसी कोई बात होती है उसकी डिटेल तक नहीं जाते हो तो हाँ, अगर इसको मैं इतना ना समझा कि ये भी समझा जाता है, 50 आया एक गया। मैंने बहुत सारी एंट्रीज के साथ आपको क्लैरिटी दी है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अब आपका जनरल एंट्रीज पे और छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने में स्ट्रांग कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्ट्रांग कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि स्मॉल अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं तो यू विल बी इन ट्रबल, यू विल बी इन ट्रबल। इज दैट क्लियर टू यू? मैंने पूरा जो ये समझाया वो मैंने हर जगह पे आपको जनरल एंट्री पास करके ये सारी बातों से। सो सर हाउ डज प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट रिमेन अनअफेक्टेड? रिमेन अनअफेक्टेड बेटा, समझा नहीं? अब मुझे बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, सी प्रणव तूने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यहां पे देख मैं क्या बोल रहा हूं। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जब किया था तो एंट्री क्या पास की थी? प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक कितना लिखा था हमने? 10,00,000 रुपीज कितना लिखा था हमने? 10,00,000 रुपीज करेक्ट। बैंक में जब एफडी करते हैं, मैंने कहा था मान के चलो बैंक में एफडी की है तो दो टाइप की एफडी होती है। एक एफडी में इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता है और एक एफडी में इंटरेस्ट विड्रॉ करते हैं।
एक एफडी में इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता है, तो एक एफडी में क्या कर लेते हैं, इंटरेस्ट विड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलो मैंने बैंक में एफडी की 1 लाख रुपीज की फॉर 3 इयर्स, कितने इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए मैंने 1 लाख रुपीज की एफडी की, करेक्ट है, तो ये बैंक में एफडी कर दी 1 लाख रुपीज की और मैं हर साल इंटरेस्ट विड्रॉ कर लूंगा, तो मुझे बताओ मुझे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10,000 रुपीज मैंने विड्रॉ कर लिया, तो बताओ अब मेरे फिर भी मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का है, 1 लाख रुपीज का ही है, वापस मुझे कितने का मिलेगा, 10,000 रुपीज, ये भी मैंने विड्रॉ कर लिया, क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो बताओ मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी भी कितनी होगी, 1 लाख रुपीज ही होगी। थर्ड ईयर में वापस कितना मिला मुझे, 10,000 रुपीज, तो अभी थर्ड ईयर के एंड में भी कितना है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, 1 लाख रुपीज, इसको थर्ड ईयर के एंड में क्या कर लूंगा, विड्रॉ कर लूंगा। दिस इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां पे हम इंटरेस्ट क्या करते हैं, हर साल विड्रॉ करते हैं। अनदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां पे इंटरेस्ट क्या होता है, अक्यूमुलेट होता है और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो मुझे बताओ फर्स्ट ईयर के एंड में अब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख रहेगी कि 1,10,000 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1,10,000 हो जाएगी। ये कब होगा प्रणव, जब तुम्हारा इंटरेस्ट क्या हो रहा है, अक्यूमुलेट हो रहा है, आप उसे विड्रॉ नहीं करते हो, तब जाके आपका ये इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस है ये कितना बन जाएगा आपका, 1,10,000। नाउ यू अंडरस्टूड, तेरे क्वेश्चन का आंसर मिला क्या, तो अब नेक्स्ट ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 1,10,000 पे मिलेगा। नेक्स्ट ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 1,10,000 पे मिलेगा। यू अग्रीड नाउ कि किस तरह वहां पे इंटरेस्ट विड्रॉ हो गया था, इंटरेस्ट विड्रॉ हो गया था तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रही, 1 लाख की 1 लाख ही रही। अब ये इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, सुन मेरी बात को ध्यान से, ये इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, आई एम सॉरी, अब ये इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो बता एंट्री क्या आएगी, ये इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो बोल एंट्री क्या आएगी, पूरी फाइनल इफेक्ट देख ले, सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्या डोनेशन का 10 लाख आया था, हाँ आया था, क्या वही 10 लाख रुपीज क्या इन्वेस्ट हो गया था, हाँ हो गया, तो 10 आया 10 गया, अग्रीड, ओके, कॉमन सेंस अप्लाई करके बता, क्या 50,000 रुपीज इंटरेस्ट का आया था, हाँ आया था, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, हमने उसी 6 मंथ्स के एंड पे इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेंगे तो बोल एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तो एंट्री क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट जाएगा, पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो क्या कैश वापस क्या 10 लाख रुपया आ जाएगा, क्या कितना कैश आ गया, 10 लाख रुपया कैश आ गया क्या, यू अग्रीड विद दिस, और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके, अब मुझे बता इसमें से हमने कितना प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या 1 लाख का प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या, तो बता ये हाँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब ये प्राइस फंड डोनेशन को लेके हमारे पास कैश की पोजिशन क्या होनी चाहिए, कैश की पोजीशन क्या होनी चाहिए, पहले तो 10 आया था 10 चला गया, फिर 50 आया 10 आया और उसमें से 1 चला गया, तो क्या 9,50,000 क्या हमारे पास कैश में होना चाहिए, कैश में होना चाहिए 9,50,000 कैश में होना चाहिए, और उतना ही 9,50,000 क्या आपके पास क्या प्राइस फंड में भी दिख रहा है क्या यहाँ पे, प्रणव यू अंडरस्टूड, समझ में आया तो हाँ बोल, नहीं समझ में आया तो ना बोल, डाउट पूछ, नहीं समझ में आया ओके, और किसी को डाउट है क्या, और किसी को डाउट है क्या बेटा, समझ में आया क्या, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो डिस्कशन किया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहूंगा कि ठीक है ओके, बट बीइंग अ सीए स्टूडेंट्स नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऐसी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझोगे, डाइजेस्ट करोगे और भूलना नहीं है, फंड वर्ड जब भी होगा तो समझ लेना उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट है, उसके अगेंस्ट में क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तभी जाके फंड वर्ड आता है, अदरवाइज प्रैक्टिकली फंड वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। चलो बच्चों को समझ में आ गया, गिव मी 1 मिनट, आई विल बी बैक। झाड़ू मारते
ओके चलो आ जाओ, कम टू क्वेश्चन नंबर 31. कम टू क्वेश्चन नंबर 31. कम टू क्वेश्चन नंबर 31. स्टार्ट करें, 31 एक बार रीड करो. क्या लिखा है सर? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा क्या? हाँ सौरभ, जब इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट जब किया था तो एंट्री क्या पास की थी? समझा नहीं तेरा क्वेश्चन. सर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा क्या? अरे वहां पे क्यों क्रेडिट करेंगे भाई, कोई मतलब ही नहीं बनता ना सौरभ. प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट क्यों वहां पे क्रेडिट करेंगे ना? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम एंट्री क्या पास करते हैं? जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? पैसा जाता है. तो इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तब एंट्री क्या पास करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज टू कैश. तो ये यहां पे आएगा जो भी रहेगा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट. लेकिन जब इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेंगे मतलब इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? रिवर्स एंट्री. ये जो एंट्री पास किया था उसकी रिवर्स एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10 लाख रुपीज टू इन्वेस्टमेंट कितने से होगा? 10 लाख रुपीज. और क्या ये इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ हो गया? क्या ये इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? राइट ऑफ. तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 10 लाख रुपीज. अग्रीड सौरभ, बात समझ में आ गई क्या? बेटा इन्वेस्टमेंट तो लिया है तो बेचना तो पड़ेगा ना. अब हमें बेचना नहीं है जब तक क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. लेकिन कॉमन सेंस क्या कहती है? अगर तूने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो उसे तू थोड़ी लाइफ टाइम रखने वाला है. अगर आपका क्वेश्चन अगर आपसे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट को बेचो तो बेचेंगे, नहीं बोला है तो नहीं बेचेंगे. अग्रीड. तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि अगर आपका क्वेश्चन कहता है कि बेचो तो बेचेंगे, नहीं बोला तो नहीं बेचेंगे बेटा. ठीक है ना? ओके चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31. द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गंगा बोट क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016 stood as follows. मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है. सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस रेंट, पीरियोडिकल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू सरप्लस, बाय सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स. द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ क्लब एज एट 31st December 2015. ये जो बैलेंस शीट दी है ये ओपनिंग बैलेंस शीट है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट है? The balance sheet which is given in your question, this is opening balance sheet or closing balance sheet? The balance sheet which is given in your question, this is opening or closing? सभी लोगों का आंसर आ रहा है opening. Correct है. You are right. Perfect. बहुत अच्छा. Correct है मतलब. Correct interpretation. Other details on 31st December 2016. Other details दिया है लेकिन date क्या दिया है? 31st December 2016 date दिया है. तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे 31st December 2016 तो ये जो डिटेल्स होगी ये कौन सी होगी? क्लोजिंग वाली होगी ना. करंट ईयर कौन सा है? 31st December 2016 है मतलब 16 इज योर करंट ईयर. और ये जो सारी डिटेल्स देके रखी है वो भी कब की देके रखी है? 31st December 2016 की है. तो मुझे बताओ क्या ये करंट ईयर की क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है? हाँ ये क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है. सैलरी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग. सिचुएशन वन में क्या करते थे? ऐड करते थे. टू में क्या करेंगे? लेस करेंगे. अग्रीड. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सिचुएशन वन में क्या करते थे? कुछ भी नहीं लिखा है तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. और यहाँ पे तो लिखा है 31st December 2016 लिखा है इसीलिए इन्फॉर्मेशन क्लियरली अवेलेबल है कि ये करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है. तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? 3000 रुपीज है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. हाँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? सिचुएशन वन में ऐड तो सिचुएशन टू में क्या करेंगे? लेस. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हम वन में क्या करते थे?
लेस करते थे तो टू में क्या करेंगे, एड प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. वुड यू बी एबल टू डू दिस, वुड यू बी एबल टू डू दिस, क्या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना सकते हो, क्या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना सकते हो बेटा, चलो फटाफट बनाओ. धनाता सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे, सैलरी अकाउंट बनाओगे. एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू प्रिपेयर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका अकाउंट्स पे कॉन्फिडेंस आए, तो यू विल प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यू विल प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यू विल प्रिपेयर सैलरी अकाउंट, ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो. अग्रीड? चलो फटाफट बनाओ. क्विकली स्टार्ट करो. हाँ जी, चलो स्टार्ट करें. बताओ सैलरीज को लेके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है? हाँ, मैंने कहा सैलरी अकाउंट, ऐसे मुझे बताओ सैलरी को लेके एडिशनल इंफॉर्मेशन है. पहले हम एडलेस के फॉर्म में देख लेते हैं, फिर अकाउंटिंग फॉर्म में देखते हैं. सैलरी कहां पर आएगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, क्या पेमेंट साइड पे आएगा क्या? सैलरीज कहां पर आएगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, क्या पेमेंट साइड पे आएगा क्या? करेक्ट है. तो बताओ सैलरीज कितना है? सैलरीज 19,500. क्या चेक करो एडजस्टमेंट में करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है? हाँ दिया है. तो सिचुएशन वन में क्या करते थे? ऐड. तो यहां पे क्या करेंगे? लेस. बताओ कितना लेस करेंगे? 2,500. चेक करो क्या आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में भी क्या सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है? चेक करो, चेक करो क्या आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है? चेक करो. दिया है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया है, तो ये तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है. तो सिचुएशन वन में प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? लेस. तो यहां पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे. क्या करेंगे यहां पे? ऐड. तो ये एडलेस करने के बाद अब एग्जाम में ऐसे ही करके आना. प्रेजेंटेशन देखो आपके सॉल्यूशन में अवेलेबल होगा, एग्जाम में ऐसे ही करके आना. तो मुझे बताओ कितना आएगा ये एडलेस करो, कितना आएगा बताओ फटाफट. दिस माइनस दिस 17,000 प्लस 18,500. ये क्या 18,500 आ रहा है क्या? बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सिर्फ अभी आपके रेफरेंस के लिए सैलरी अकाउंट बनाओगे. मैं चाहता हूं कि आपका अकाउंट्स, छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने में कॉन्फिडेंस आए. ऑब्जेक्टिव मेरा कोई और कुछ भी नहीं है. यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर दिस अकाउंट जस्ट टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस टू क्रिएट अकाउंट. करेक्ट? अग्रीड? ओके, चलो स्टार्ट करो. मुझे बताओ सैलरी सेम लॉजिक प्रीवियस ईयर का जो होगा वो सब ब्रॉट डाउन होगा और करंट ईयर की सबकी एंट्री पास करो. करंट ईयर की सबकी एंट्री पास करो. सेम लॉजिक जो अपन लॉजिक जो अकाउंट्स बनाने में सेम लॉजिक अप्लाई करना. सीए फाइनल तक सेम लॉजिक अप्लाई करो. सेम लॉजिक अप्लाई करना है. मुझे बताओ कोई प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है? कोई प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है? हाँ ना, मैं आंसर करो तो मैं लिखूं. कोई प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है? हाँ, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है. तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा? ब्रॉट डाउन. और सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होता है? एसेट्स या लायबिलिटी. ये तो लायबिलिटी है. और लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस. तो क्या मैं सैलरी आउटस्टैंडिंग यहां पे लिख सकता हूं क्या?
कितना लिखूंगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना लिखूंगा, 1500। यू ऑल अग्रीड विद दिस? जितने भी करंट ईयर के ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री पास करो, जरा एंट्री पास करो, चेक करो आपके पास क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या सैलरी दिया हुआ है, क्या आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। उसकी जर्नी एंट्री बोल के बताओ एक बार, उसकी जर्नी एंट्री एक बार बोल के बताओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट हुआ टू सैलरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट हुआ टू सैलरी, करेक्ट है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, बताओ कितना है टू सैलरी? 19,500। एनी डाउट या कंफ्यूजन? नहीं सर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कोई भी डाउट नहीं है। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, क्या करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है? हाँ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। क्या होगा? ओके ओके, आई गॉट इट गॉट इट, मैंने गलत लिखा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो यहां पे इस तरह से आना चाहिए, करेक्ट है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो यहां पे लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना है ये? 19,500। अग्रीड विद दिस? ओके, नेक्स्ट मुझे बताओ सोच के, नेक्स्ट मुझे सोच के बताओगे क्या करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है? हाँ है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, एसेट्स या लाइबिलिटी? बच्चों ये तो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? ये तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बोला एंट्री क्या पास करेंगे, सिखा दिया था, सब कुछ सिखा दिया है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, बताओ सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितना होगा? कितना दिया है भाई, कितना दिया है? 2500। चेक कर लो ना, आपने जो यहां पे किया था वही यहां पे हुआ है। क्या 19,500 में क्या 1500 ऐड हुआ था, और 2500 क्या हुआ था, लेस हुआ था? वही हम यहां पे कर रहे हैं, वही हम यहां पे कर रहे हैं। क्या 19,500 में क्या 1500 ऐड करके क्या 2500 लेस करेंगे? क्या 2500 क्या करेंगे, लेस करेंगे क्या? तो बताओ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहां पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना करंट ईयर में सैलरी का पेमेंट हुआ है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख सकते हो, और एल्स यू कैन राइट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो बताओ कितना आया, 18,500। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। क्या अकाउंट्स बनाना अब आपको समझ में आ रहा है कि अभी भी बाउंसर जा रहा है? क्या अकाउंट्स जो मैं बना रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है कि अभी भी बाउंसर जा रहा है? सर एग्जाम में क्या हमें अकाउंट्स बनाना है? नो। हाँ अगर बोला है कि सैलरी अकाउंट बना के बताओ तो यस, हमें एग्जाम में अकाउंट बनाना है, ऑफ कोर्स नॉट, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने में प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, इसीलिए बनाया है। अग्रीड? चलो डन, आगे बढ़ो फटाफट। जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस मैं कल से बोले जा रहा हूं, जनरल एक्सपेंस क्या उस एक्सपेंस के अगेंस्ट में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। तो क्या मानोगे, जितना एक्सपेंस उतना पेमेंट, जितना एक्सपेंस उतना पेमेंट, जितना एक्सपेंस होगा क्या उतना पेमेंट भी हुआ होगा क्या आपका? ओके, तो लिखोगे बाय जनरल एक्सपेंस, बताओ कितना है, 10,000 रुपीज। व्हाट नेक्स्ट, ऑडिट फीस, कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। तो जितना एक्सपेंस उतना पेमेंट, जितना करंट ईयर का एक्सपेंस है, ध्यान रखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली करंट ईयर का एक्सपेंस। तो जितना करंट ईयर का एक्सपेंस है, सर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं दी, नहीं नहीं डाली सर। अच्छा ओके ठीक है, ये लो इंसर्ट कर दिया, थैंक यू सौरभ। ओके आई फॉरगॉट इट, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, 2500। ओके अग्रीड, हाँ बताओ जनरल एक्सपेंस भी आ गया। नेक्स्ट क्या है, ऑडिट फीस, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय ऑडिट फीस कितना लिखेंगे, 2500। नहीं, ऑडिट फीस को लेके कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो व्हाट वी अज्यूम, जितना करंट ईयर का एक्सपेंस है उतना पेमेंट भी हो गया, ये अजम्पशन होगा। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो क्या अज्यूम करेंगे, जितना करंट ईयर का एक्सपेंस है उतना पेमेंट भी हो गया। टू इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, कोई एडिशनल एक्सपेंस, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो क्या अज्यूम करेंगे, जितना करंट ईयर का एक्सपेंस है उतना पेमेंट भी हो गया। तो बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस कितना है, 3,000 रुपीज। व्हाट नेक्स्ट, रेंट, हाँ रेंट पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? हाँ है, देखो देखो देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में चेक करो, ओपनिंग बैलेंस शीट में चेक करो, ओपनिंग बैलेंस शीट में चेक करो, क्या रेंट को लेके
क्या आपके पास क्या ओपनिंग रेंट, हाँ मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट पे लाइबिलिटी साइड पे क्या आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो ये कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो सिचुएशन वन में क्या करते थे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते थे, लेस करते थे, तो सिचुएशन टू में क्या करेंगे, एड करेंगे, अग्रीड ऑन दिस पार्ट। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया नहीं है तो क्या करेंगे, बाय रेंट, बाय रेंट कितना लिखेंगे, यू गोइंग टू राइट 3000 रुपीज बाय रेंट, यू गोइंग टू राइट हाउ मच, 3000 रुपीज। एंड हम क्या इसमें ऐड कर देंगे, क्या कितना ऐड कर देंगे, 500 रुपीज। यू अग्रीड विद दिस बेटा, कितना हो जाएगा ये 3500। हाँ कोई दिक्कत, इसकी कोई दूसरी बैलेंस शीट पोस्टिंग नहीं आएगी क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस शीट में था, खत्म, अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग रहा सर, प्रिंटिंग में क्या रहेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6000 लिखा ना बेटा मैंने, ये रहा, ये लिख दिया। प्रिंटिंग में कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है ना, ओके ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, पीरियोडिकल्स। सर हम रेंट अकाउंट बना सकते हैं, मेरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद जब घर पे आओ वापस एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो बना लेना एक बार, यू प्रिपेयर, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि कैसे होता है ये, करेक्ट है ना, यू कैन प्रिपेयर, ठीक है, नो इश्यूज। हाँ पीरियोडिकल्स मीन्स, अरे सार्थक, पीरियोडिकल्स का मतलब ये होता है कि आप घर पे कोई मैगजीन्स मंगवाते हो ना, जैसे कि हम, मेरे घर पे ना एक मैगजीन्स आता है दलाल स्ट्रीट करके, तो एवरी 15 डेज में एक बार आता है, तो उसे पीरियोडिकल्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, पीरियोडिकल्स कहते हैं, ओके पीरियोडिकल्स। तो बताओ पीरियोडिकल्स, हाँ पीरियोडिकल्स, उसकी भी कोई, उसके रिलेटेड भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, जितना एक्सपेंस उतना पेमेंट, तो पीरियोडिकल्स कितना हो गया, 4000 रुपीज। व्हाट नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना दिया है बेटा, 1500, जितना एक्सपेंस उतना पेमेंट, जितना एक्सपेंस उतना पेमेंट, जितना एक्सपेंस उतना पेमेंट। सब बच्चे धनाधन बोल रहे हैं ना 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 ना, बाकी बच्चों का मुझे लग रहा है हाँ होगा इसलिए वो नहीं बोल रहे बेटा, ओके ठीक है, जिन्होंने ना बोला वो नहीं लिखेगा, जिन्होंने हाँ बोला वो लिखेगा, ठीक है ना, नॉन कैश है, ठीक है, ओके ओके, तो बाकी बच्चे लिख लेना बेटा उससे, ठीक है ना, श्रुति बोल रही नहीं हम नहीं लिखेंगे, नहीं तो बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे, वो लिखने वाले होंगे ना, उससे लिखा भी होगा, मैंने लिखा तो उन्होंने भी लिख लिया होगा, मैं सो रहा हूं तो वो भी सो रहा है बेटा, करेक्ट ना, ओके डेप्रिसिएशन नहीं आएगा बेटा, ठीक है, क्या रह गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस रह गया क्या हमारा, ओके तो लिख दो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जितना एक्सपेंस उतना पेमेंट, जितना एक्सपेंस उतना पेमेंट, क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख सकते हैं क्या, 2500 डन। सरप्लस, ओहो सरप्लस कहाँ आएगा, सरप्लस कहाँ आएगा, सरप्लस कहाँ आएगा, याद नहीं आ रहा है मैडम, आपको याद आ रहा है सरप्लस कहाँ आता है, मैडम बोल रही है तुम जाने तुम्हारा अकाउंट्स जाने, फालतू वाला अकाउंट्स, ओके ठीक है वंडरफुल, जनरल फंड में ऐड होगा, करेक्ट है, यू आर राइट सार्थक, यू आर राइट, सभी बच्चों का आंसर टकाटक है, लाइब्रेरी साइड में आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, परफेक्ट, तो उसे छोड़ दो। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को लेके आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में भी इंफॉर्मेशन है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी इंफॉर्मेशन है, बेटा मुझे तो नहीं आता है सब्सक्रिप्शन, मुझे तो नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है क्या करना, क्या ऐड करना, क्या लेस करना, दिमाग खराब कर देता है बेटा, मुझे तो नहीं आता है बेटा, आपको आता है क्या, हाँ अनुष्का तनुष्का अगर आपको आता है तो करो, मुझे डायरेक्ट आंसर दो, मुझे तो नहीं आता बेटा, अपने बस की बात ही नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट बड़ा दिमाग खराब कर देती है, पता नहीं मुझे किसने सिखाया था, आपको किसने सिखाया कि आपको आता है, मुझे किसने सिखाया था वो पता नहीं, देखना पड़ेगा किसने सिखाया था, ओके सब बच्चे बोल रहे आपने सिखाया था,
ऐसा गजब है, मैंने सिखाया मुझे ही नहीं आता है। आंसर दो नलायको। आयुष तुझे समझ में आया क्या बेटा? आयुष बहुत बार खतरनाक क्वेश्चन पूछता है, मैं भी हिल जाता हूं, मैं भी हिल जाता हूं, मुझे लगता है अब आंसर कैसे दो उसका। ओके चलो, सब ने बोला कि 39,000, सब ने कॉपी पेस्ट करके बोला कि ये कैलकुलेट करके बोला। बहुत सारे बच्चे तो गजब है, कल से आंसर ही नहीं दूंगा, वो आंसर देख के बोल देते हैं कैलकुलेट करते हैं कि नहीं करते हैं। सब बोल रहे कैलकुलेट किया, हितेश्वी तूने लास्ट टाइम कैलकुलेट नहीं किया था। ओके तो लिखेंगे 2 subscription 39,000। ओके आज किया, वेरी गुड। 2 subscription कितना होगा? 39,000। यहाँ पे वर्किंग नोट लिख देना, अगर आपको चाहिए तो आप वर्किंग यहाँ पे भी बता सकते हो, अगर प्रेजेंटेशन अगर आपको लग रहा है यू कैन मैनेज। देखो प्रोफेशनल लेवल पे कोई प्रेजेंटेशन का ना कोई रूल नहीं है, नहीं कैसे करना हो कोई रूल नहीं है। यू कैन प्रिपेयर अकाउंट ऑल्सो, दैट इज फाइन, लेकिन अकाउंट टाइम कंज्यूम करेगा और आपके पास प्रोफेशनल कोर्स में टाइम होता ही नहीं है, तो बेटर यह है कि यहाँ पे एडलेस कर देना थोड़ा डिसेंट वे में लिख के। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे एडलेस करोगे तो भी चलेगा। अकाउंट इसीलिए बनाना ताकि आपका अकाउंट मतलब बनाने का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्या यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आएगा क्या? सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना है, रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 1,000। डिफरेंस आ रही है बरफ जी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग? 3,000 rupees। बेटा अब आपको सब्सक्रिप्शन आता होगा, ठीक है। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, ओके एंट्रेंस फीस आपने इनकम ट्रीट किया है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है ना, तो मतलब एनपीसी ने क्या ट्रीट किया, उसे इनकम ट्रीट किया, उसने इनकम ट्रीट किया। एनपीसी ने अगर इनकम ट्रीट किया तो मेरा कंसर्न आपसे ये है उसका पैसा तो आना ही चाहिए, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो उसका पैसा आया होगा तब जाके इनकम ट्रीट हुआ होगा ना, उसके बगैर तो इनकम कैसे ट्रीट हो सकता है? यू अग्रीड विद दिस? डोनेशन, डोनेशन भी इनकम ट्रीट हुआ, उसका मतलब इसका भी पैसा आया होगा, अग्रीड ना? कितना देखो, वापस मिस्टेक कर दी बेटा, यहां पर जब लिखोगे तो 2 लाइन ब्लैंक छोड़ के लिखोगे, मुझे इरेज करने ही दो ताकि याद रहे। टू सब्सक्रिप्शन कितना था? 39,000। एंट्रेंस फीस कितना है? करेक्ट मुस्कान, यू आर राइट मुस्कान। टू डोनेशन कितना है? 12,000। यहां पे लिख दो, कहां से लिखोगे? टू बैलेंस प्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड चेक करो, क्या 18,500 है? टू क्या है? सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स, टू सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स, उसके रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जितनी इनकम है उतनी रिसीट भी होगी, जितनी इनकम है उतनी क्या होगी? रिसीट भी होगी। अग्रीड विद दिस? बच्चों समझ में आ रहा है क्या आपको? कोई भी कंफ्यूजन? ओके बच्चे अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो आपके सामने ओपनिंग बैलेंस शीट होनी चाहिए, आपके सामने ओपनिंग बैलेंस शीट होनी चाहिए, आपके सामने ओपनिंग बैलेंस शीट होनी चाहिए, आपके सामने ओपनिंग बैलेंस शीट होनी चाहिए। देखते हैं फर्नीचर ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में आएगा कि नहीं आएगा? ऑफकोर्स आएगा, अगर कुछ सेल हुआ होता तो उसकी इंफॉर्मेशन होती, करेक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन होती, तो क्लोजिंग में है तो ओपनिंग में, हाँ अरे ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में आएगा, आएगा। लेकिन देखो डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करना दोस्तों, डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करना। सर डेप्रिसिएशन कहाँ से पता चलता है? अब बेटा मुझे तो नहीं पता है कहाँ से पता चलता है बेटा, मुझे तो आता ही नहीं बेटा, क्योंकि मुझे एक मैडम ने अकाउंट सिखाया था,
मुझे एक मैडम ने अकाउंट सिखाया था और इतना बेकार सिखाया था, मेरी ने नहीं मतलब मेरी वाइफ ने नहीं बेटा, एक मैडम ने अकाउंट सिखाया था, और जनरली मैडम अच्छा अकाउंट नहीं पढ़ाती, पता है क्या बेटा आपको, वो रट्टा मरवाती है, इसलिए मुझे अकाउंट्स नहीं आता है बेटा। कहाँ गया? डेप्रिसिएशन कितना है? 1500। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिया है। बच्चे बोल रहे हैं सर आपको इतना भी नहीं आता है, आप हमें क्या पढ़ाओगे? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मुझे बताओ, ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में आएगा? अरे भाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एडजस्टमेंट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, कहीं पे सेल की कुछ भी बात नहीं थी और डेप्रिसिएशन की भी बात नहीं है, तो क्या ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में आएगा? हाँ आएगा, 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 आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ये तो प्रीवियस ईयर का है तो करंट ईयर में नहीं आएगा। कैश एंड बैंक ये तो ओपनिंग है तो क्लोजिंग में नहीं आएगा। ओके, अब आ जाओ लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे सैलरीज हो गया, ये तो ओपनिंग है, रेंट भी ओपनिंग है, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी ओपनिंग है, जनरल फंड यहां पे लिख दो, जनरल फंड इनर कॉलम में, इनर कॉलम में कितना लिखोगे? 37,000। अग्रीड बच्चों? ओके, इसमें क्या ऐड कर दोगे? सरप्लस। अब आपको पता है इसको कहां से देखना है, आप यहां से कहां से फाइंड करोगे उसको, तो ये हो जाएगा 46,000। लेकिन रुको, क्या आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ध्यान रखना, या तो ये वाला बैलेंसिंग फिगर होगा, या तो मैंने कहा ये वाला बैलेंसिंग फिगर होगा, जो भी बच रहा है दैट विल बी योर बाय बैलेंस कैरी डाउन, और उसको लिख देना बैलेंसिंग फिगर। कितना आ रहा है बताओ फटाफट, कितना आ रहा है बताओ फटाफट। प्रेरणा सौरभ कैलकुलेट किया कि ऐसे ही? ओम कैलकुलेट किया कि मुझे बेवकूफ बना रहे बेटा, कैलकुलेट किया। तो बताओ ये क्लोजिंग बैलेंस ना, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये कहां पर आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, कैश एट बैंक। तो बताओ कितना होगा, ये कितना होगा? 30,500। चेक करो आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं हो रही है, चेक करो बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ सर बैलेंस शीट टैली हो रही है। कितने से हो रही है? 49,500। वेरी वेरी गुड, बच्चे अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। थोड़े क्रैक हैं लेकिन अच्छे हैं, नॉट बैड, नॉट बैड। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। अच्छा, अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इट्स डैम सिंपल क्वेश्चन। और सिंपल क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन में आपके पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है एंड विद द हेल्प एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी दिया है। तो क्या सर, क्या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों देके क्या करना होगा? बेटा हमें ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों बनाना है। क्वेश्चन के अप्रोच को समझें, डिड यू अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डैम सिंपल क्वेश्चन। ओके, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 चेक करो एक बार फटाफट। क्वेश्चन नंबर 32। हाँ जी, आज बच्चे बहुत कम आए हैं, क्यों? बच्चे कहां भाग गए हैं? कौन कौन नहीं आया आज? कौन से बच्चे नहीं है आज? डांटना पड़ेगा एक बार, डांटने का मौका नहीं मिलता है ना। फेस टू फेस बैच में होता तो मैं आपको बहुत बार डांट चुका होता, लेकिन अब कहां से डांटू, कैसे डांटू?
Adult Education Society submits to you the following receipts and payment account and income and expenditure account for the year ended 31st March 2017. इसका मतलब क्या हुआ? 16-17 क्या current year होगा? हाँ सर, 16-17 कौन सा year होगा? Current year. तो बताओ 15-16 कौन सा year होगा? Previous year. तो 17-18 कौन सा year होगा? Next year. जब भी question read करो तो आप ये date को ध्यान से read करना. और हमें क्या बनाना है? हमें तो एक बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट. नहीं, वही लिखा है ना, क्या यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ सोसाइटी एज ऑन 31st मार्च 2016. मतलब ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस शीट, और दूसरा क्या हो गया? 31st मार्च 2017. तो वी नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. एक क्लोजिंग लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन As on 31st March 2017. और दूसरा क्या बनाना है? हमें एक और बनानी है ओपनिंग बैलेंस. क्या बनानी है बेटा? ओपनिंग बैलेंस. बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत डैम सिंपल क्वेश्चन होते हैं. आप आपका भी दिमाग लगाओगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा. इसमें ज्यादा दिमाग वाली बात ही नहीं होती चलाने वाली. तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2016. आप अगर 1st अप्रैल 2016 लिखते ना डेट तो भी चलता, लेकिन क्वेश्चन जो बोल रहा है वो लिखेंगे, बट दोनों डेट का मीनिंग एक ही होता है. अग्रीड? ओके. अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. आपका आंसर प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है ना? अब फालतू बना मत करना. बताओ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ लिखू? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ लिखू? आंसर करोगे तो डांट खाओगे. बताओ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ लिखू? धनाधन धन धनाधन धन. बोलो. हाँ अभी आया, अभी आया. बच्चे को डांटे तभी आंसर देते हैं. ओपनिंग बैलेंस शीट. विवेक बोल रहा है लायबिलिटी साइड. प्रेरणा बोल रही है लायबिलिटी साइड. मुस्कान बोल रही है ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ओके, जैसे इन्होंने बोला वैसे हम लिखेंगे बेटा. वो लायबिलिटी बोलेंगे तो लायबिलिटी लिखेंगे, एसेट बोलेंगे तो एसेट भी लिखेंगे. कैश एट बैंक. ओके, अभी एसेट बोला तो बराबर से आंसर करो ना. आधा अधूरा आंसर क्यों करते हो नलायक हो. 450. देखो अब ध्यान से सुनो. टू इंटरेस्ट लिखा है. क्या लिखा है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट 15-16 का कितना है? 100 रुपीज. अब लिखना सबका बंद. सिर्फ ध्यान मेरे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दोगे. प्लीज लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन वेरी केयरफुली. यू गॉट टू फोकस. ठीक है, पहले मुझे बताओ इंटरेस्ट की रिसीट है तो क्या इंटरेस्ट आपको इनकम साइड में भी दिखेगा? जरा चेक करो कितना दिख रहा है इंटरेस्ट. इनकम साइड पे कितना दिख रहा है इंटरेस्ट? इनकम साइड पे कितना दिख रहा है इनकम साइड? मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 160 रुपीज का इंटरेस्ट दिख रहा है. मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. मैं ही आंसर दूंगा और सिर्फ आप हाँ ना मैं आंसर करोगे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो 160 रुपीज लिखा है, आपको नहीं लगता ये इंटरेस्ट करंट ईयर की इनकम होगी? आपको नहीं लगता ये इंटरेस्ट करंट ईयर की इनकम होगी? हाँ, ये करंट ईयर की इनकम होगी. चेक करो क्या जितनी इनकम है उतनी रिसीट है. जरा चेक करो करंट ईयर कौन सा है ये भी समझो. करंट ईयर 16-17 है जो मैं बोल रहा हूं. क्या बोल रहा हूं? करंट ईयर क्या है? 16-17 है. करंट ईयर की इनकम 160 रुपीज है. करंट ईयर की इनकम 160 रुपीज है तो उसकी रिसीट देखो 150 रुपीज है. रिसीट 16-17 इज द करंट ईयर. 16-17 इज द करंट ईयर. तो 16-17 की रिसीट कितनी है? कितनी है? 150. उसका मतलब क्या हुआ? 160 करंट ईयर की इनकम है. देखो मैं यहां से एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, ध्यान देना. ये है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, करेक्ट, और ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन की इनकम है 1 लाख रुपीज और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 80,000 दिख रहा है तो आप क्या मानोगे? है रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर. ये विवेक क्या फालतू वाली बात कर रहा है भाई? रुक जा सौरभ, ये क्या है? रुको 2 मिनट, जरा मेरे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो. एक कंप्लीट करने दो मुझे पहले. सब्सक्रिप्शन, मैंने कहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1 लाख लिखा है. बोल बोल के मेरा गला खराब हो गया, मेरा दिमाग भी खराब हो गया है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली सच इनकम विच आर ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली. रिसीव्ड और नॉट दैट इज टोटली इमटेरियल. तो ये तो करंट ईयर की इनकम होगी. तो चेक करो जितनी करंट ईयर की इनकम है
क्या उतनी करंट ईयर की रिसीट है? नहीं है। ये मान लो प्रीवियस ईयर नहीं था, ये क्लब का फर्स्ट ईयर है, तो उसका प्रीवियस ईयर नहीं था, क्लब का फर्स्ट ईयर है तो उसका प्रीवियस ईयर नहीं था, तो डोंट यू थिंक दैट निकिता, मैं लेक्चर में फोन करता हूं, और डोंट यू थिंक दैट कि 20,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा? अगर मान के चलो यहां पर भी 1 लाख होता, यहां पे भी क्या होता, 1 लाख होता, तो यू टेल मी यहां पर भी 1 लाख होता, उसका मतलब क्या? जितनी इनकम है उतनी रिसीट है, जितनी इनकम है उतनी रिसीट है। बस यही तो कॉमन सेंस अप्लाई करनी है आपको, यही तो कॉमन सेंस अप्लाई करनी है, बाकी अप्लाई क्या करना है उस पर, तो चेक करो, मैं वही कह रहा हूं, इंटरेस्ट की इनकम कितनी है। अब रिस्पॉन्स करोगे सभी लोग, जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे वो लोग रिस्पॉन्स करेंगे नलायक, आज बच्चे नहीं है। इंटरेस्ट की इनकम कितनी है बोलो फास्ट, इंटरेस्ट की इनकम है 160, तो उसके अगेंस्ट में रिसीट कितनी है? 250 मत देखना, मैं बोल रहा हूं करंट ईयर की रिसीट कितनी है, करंट ईयर की रिसीट है 150, तो क्या करंट ईयर का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग क्या 10 रुपीज होगा? तो मैं तो पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देता हूं, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लिखो, इंटरेस्ट ड्यू लिखो, इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, बताओ कितना लिखूंगा? 10 रुपया। अच्छा, आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉग्नाइज ऑल रिसीट्स एंड ऑल पेमेंट्स विद इट बिलोंग्स टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और सबसिक्वेंट ईयर। क्या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 15-16 का इंटरेस्ट दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 100 रुपया। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि 100 रुपीज प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग होगा। ओ हेलो, हाँ प्रीवियस ईयर में क्या होगा? आउटस्टैंडिंग होगा। तो डोंट यू थिंक दैट ये आपकी प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आना चाहिए, और प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट इज नथिंग बट करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट। तो आपको नहीं लगता है ये करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां पे होना चाहिए? एसेट साइड पे होना चाहिए। तो क्या मैं इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लिख सकता हूँ? क्या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना लिख सकता हूँ? 150 रुपीज। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, डाउट पूछोगे। चलो धना धन आंसर करो, ये 100 रुपीज क्या बोला? अच्छा 100 रुपीज, आई एम सॉरी, ओके ओके ओके, इट्स माय मिस्टेक, इट्स आई एम सॉरी, ओके आई एम सॉरी, ओके 100 रुपीज है। समझ नहीं समझा सर, सौरभ बोल रहा है नहीं समझा। अरे सौरभ, अरे बेटा मुझे बता, पहले बोल सौरभ करंट ईयर कौन सा है? क्या 16-17 करंट ईयर है? हाँ ना में आंसर करेगा। क्या 15-16 प्रीवियस ईयर है? हाँ ना में आंसर करेगा। ठीक है मुझे बता, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्लियरली लिखा है? सर क्या लिखा है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में? बेटा ये लिखा है कि 15-16 का इंटरेस्ट मिला, कितना मिला? 100 रुपया। 15-16 तो प्रीवियस ईयर है, कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर है। 16-17 का इंटरेस्ट मिला, कितना मिला? 150 रुपीज। टोटल मिला के कितना मिला? 250 रुपीज। मैंने इसीलिए कहा था, और मैंने ये डे वन की मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, मेरे इनिशियल लेक्चर्स हैं, उसे मैंने बहुत डिटेल में सिखाया है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली सच, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स ऑल रिसीट्स व्हेदर इट बिलोंग्स टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और सबसिक्वेंट ईयर। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। तो मुझे बता, इसका मतलब तो ये होगा, क्या ये 100 रुपीज प्रीवियस ईयर में मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला? तो तुझे नहीं लगता ये 100 रुपीज प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे होना चाहिए? और प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट करंट ईयर की कौन सी बैलेंस शीट होती है? ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। सौरभ समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हमने क्या लिखा? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। समझ में आया तो हाँ बोल, नहीं समझ में आया तो ना बोल। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो बिंदास क्वेश्चन पूछोगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं आपको 2-4 डांट दूंगा, एक बार नलायक बोल दूंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप नलायक हो। देखो आयुष ने बोला हाँ हम नलायक हैं, यस बोल रहा है आयुष, बोल रहा है यस वी आर नलायक। समझ में आया कि नहीं आया?
ये सीए के बच्चे बड़े दुखी आत्मा होते हैं यार, वो बात एकदम तय है। सीए वाले बच्चों की लाइफ में कोई है ना, मतलब लाइफ में कोई है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या उसको क्या वर्ड, कोई लाइफ में कुछ यही नहीं होता, क्या क्या बोलते हैं उसको, मैं तो याद भी समझ में ही नहीं आता है। हाँ, हंसते ही नहीं बच्चे, उनको हंसना ही नहीं आता। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत पढ़ाकू होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते हंसना ही भूल जाते हैं। देखो अभी दांत निकाल के हंस रहे हैं, फालतू आर्टिफिशियल हंसी। हाँ, वो भी सब इमोजीज लिखते हैं, हम वहां बैठ, वहां तो हंसते ही नहीं होंगे, वो सब यहाँ पे इमोजीज लिख दिया। घर पे बैठे बैठे ऐसे सर पे हाथ रखते होंगे, कहाँ पे लेक्चर अटेंड करना है यार, दोपहर के 2 बजे लेक्चर ले रहे, नींद आती वहां लेक्चर लेते। ओके, हाँ ना सर, वह भी बोल रही है, हाँ ना सर, नींद आ रही है और आप, हाँ नहीं, हाँ ना सर, उसका मतलब ये, हाँ हम है, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या दुखी आत्मा है, करेक्ट वैभव, यू आर राइट। ओके, सब बच्चे बोल रहे हैं, तो चलो फिर आज पार्टी करो, फिर चलो पार्टी के लिए मिलते हैं, कहाँ मिलना है बोलो। देखो पार्टी दे रहा हूं फिर भी नहीं लेते, ऐसे बच्चे हैं। दर्शना आयुष बोल रहे बाय सर, JW मैरियट। हाँ सोचो बेटा, सोचने क्या जा रहा है, सब अपना ही है आजकल तो, खाली पड़ा हुआ है सब, जहां जाओ वहां लोग अंदर ही ले लेंगे आपको। तो आज चलना है बॉम्बे ताज में चलना है क्या बेटा, वहां भी जा सकते हैं, फेसिंग गेटवे ऑफ इंडिया। ओके चलो नलायक, पढ़ना चालू करो। हाँ तो रिया, तो मुझे ही पता है लॉकडाउन है, मैं तो फालतू वाली बात ही कर रहा हूँ ना, और क्या कर रहा हूँ। चलो ट्यूशन फीस कहाँ पे आ जाओगे, ट्यूशन फीस। हाँ ट्यूशन फीस से याद आया, किसकी ट्यूशन फीस बाकी है भाई, बोलो फटाफट। ट्यूशन फीस बताओ क्या लिखा, अभी ध्यान से सुनो, अभी मस्ती मजाक बंद, भी नहीं समझेगा अदरवाइज। ट्यूशन फीस तुरंत सामने देख लो, इनकम है, ट्यूशन फीस के सामने बराबर से देख लो, इनकम दिख रही है, पहले पहले वो चेक करो। हाँ इनकम दिख रही है, दिख रही है, कितनी दिख रही है, 1100, मतलब इनकम साइड पे 1100 है, उसका मतलब ये हुआ करंट ईयर की इनकम 1100 है, तो करंट ईयर की रिसीट चेक करो कितनी है उसके अगेंस्ट में, तो करंट ईयर की रिसीट है 1000, 16-17 का देखना, 17-18 मत ऐड कर देना उसमें, 16-17 का देखना, मतलब 16-17 की इनकम 1100 है, लेकिन उसके अगेंस्ट में रिसीट कितनी हुई है, 1000 हुई है, तो आपको नहीं लगता है 100 रुपीज अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये 100 रुपीज कहाँ जाना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग, अग्रीड, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग कितना लिखोगे, 100 रुपीज। सेकेंड क्या चेक करो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, क्या 17-18 का भी 100 रुपीज मिला है, और 17-18 तो नेक्स्ट ईयर है, 17-18 कौन सा ईयर है, नेक्स्ट ईयर है, एम आई करेक्ट ना, और नेक्स्ट ईयर का पैसा अगर करंट ईयर में मिल गया तो आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का 100 रुपीज आपको 16-17 में मिल गया, तो आपको नहीं लगता है, ये तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, और इनकम रिसीव करंट ईयर में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो आपको नहीं लगता है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पे आना चाहिए, लायबिलिटी साइड पे आना चाहिए, तो ट्यूशन फीस रिसीव्ड इन एडवांस कितना होगा बेटा, 100 रुपीज, अग्रीड, इसमें कोई दिक्कत बेटा नहीं है सर। देखो अभी क्या लिखा है, 16, हाँ रिसीट साइड पे अब एंट्रेंस फीस दिख रही है 420 रुपीज, इनकम में चेक करो एंट्रेंस फीस दिख रही है कि नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 16-17 की एंट्रेंस फीस तो आई लेकिन इनकम में नहीं दिख रही है, उसका मतलब कैपिटलाइज हुआ होगा, उसका मतलब क्या हुआ होगा, कैपिटलाइज हुआ होगा क्या, या तो इनकम में जाएगा या तो कैपिटलाइज होगा, और एंट्रेंस फीस 16-17 की है, करंट ईयर की है, एम आई करेक्ट, तो कैपिटलाइज हुआ होगा, तो मुझे बताओ, मुझे बताओ कैपिटल फंड यहां पे लिखेंगे क्या, उसमें एंट्रेंस फीस ऐड कर देंगे क्या, एंट्रेंस फीस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना एंट्रेंस फीस है हमारे पास, 420 रुपीज, आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कैपिटल फंड अभी नहीं लिखा, अब जो ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड आ जाएगा, और एंट्रेंस फीस 16-17 की है, पहले तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर क्या है ये समझ लो, जब तक करंट ईयर प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर ही नहीं समझ में आएगा आप क्वेश्चन नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसे डैम इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको सोचना है, कॉमन सेंस अप्लाई करनी है, तो 16-17 कितना है, 420 रुपीज,
तो वो इनकम में दिखा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन इनकम में नहीं दिख रहा है उसका मतलब ये कैपिटलाइज हुआ होगा। अग्रीड ना? मेंबरशिप फीस बताओ, मेंबरशिप फीस पहले देख लो, मेंबरशिप फीस क्या इनकम में दिख रहा है? हाँ, क्योंकि इनकम में जो होगा वो करंट ईयर की इनकम होगी ना दोस्तों। इनकम में जो भी दिखता है वो कौन से ईयर की इनकम होगी? करंट ईयर की इनकम होगी। तो बताओ करंट ईयर की इनकम कितनी है? 130। तो उसके अगेंस्ट में करंट ईयर की रिसीट कितनी है? नहीं, गलत बोला ना, करंट ईयर की इनकम कितनी है? 1150। 1150, तो उसके अगेंस्ट में करंट ईयर की रिसीट कितनी है? करंट ईयर का बोल रहा हूं, करंट ईयर का। आप मुझे 1840 देख के मत बताना। 1840 में प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड है, करंट ईयर का भी इंक्लूड है, तो नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूड है। आप यू डोंट चेक दैट 1840। मैं ये बोल रहा हूँ करंट ईयर की इनकम 1150 है, करंट ईयर की इनकम 1150 है, तो आपको नहीं लगता है करंट ईयर की रिसीट भी 1150 है? करंट ईयर की रिसीट भी 1150 है? अरे यस और नो। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं आएगा, एसेट साइड पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन चेक करो 15-16 का कितना रिसीव हुआ है, 15-16 का कितना रिसीव हुआ है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में? 15-16 का आपको नहीं लगता है 300 रुपीज रिसीव हुआ है? 15-16 प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर कौन सा है? 16-17 है। 16-17 का कितना रिसीव हुआ है? 1150। एंड 17-18 नेक्स्ट ईयर है, सब्सिक्वेंट ईयर है, तो क्या 17-18 का भी कुछ रिसीव हुआ है? कितना रिसीव हुआ है? 390 रुपीज। अब मुझे बताओ, इसका तो हमने देख लिया कि जितनी करंट ईयर की इनकम है उतनी करंट ईयर की रिसीट है, तो एक तो बात समझ में आ गई, लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये 300 रुपीज क्या प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा? प्रीवियस ईयर में ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो ये 300 रुपीज कहां पे आना चाहिए? प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट, करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्या एसेट साइड पे आना चाहिए? हाँ सर, आना चाहिए। 17-18, 16-17 में ही, 16-17 में ही, करंट ईयर में ही नेक्स्ट ईयर का 390 मिल गया। नेक्स्ट ईयर का कितना मिला? 390 मिला। तो आपको नहीं लगता ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है? तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पे आना चाहिए? लाइबिलिटी साइड पे आना चाहिए। करेक्ट रिया, यू आर राइट। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पे आना चाहिए? लाइबिलिटी साइड पे आना चाहिए। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। मेंबरशिप फीस रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 390 रुपीज। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा? मेंबरशिप फीस आउटस्टैंडिंग कितना आएगा? मेंबरशिप फीस आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 300 रुपीज। ओके, डन। अभी बताओ, आ जाओ पेमेंट साइड पे। प्रिंटिंग चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस बताओ, प्रिंटिंग चार्जेस कितना दिया हुआ है? प्रिंटिंग चार्जेस कितना दिया हुआ है? चेक करो पहले, जितना जितना पेमेंट एक्सपेंस में एक बार चेक कर लो। प्रिंटिंग चार्जेस का एक्सपेंस है 80 रुपीज, करेक्ट है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चेक करो कितना है, 80 रुपीज है, और उसका पेमेंट कितना हुआ है? 75 रुपीज। उसका मतलब क्या 5 रुपये अभी भी पे करना बाकी है? करेक्ट ना? 80 रुपीज का एक्सपेंस है और 75 का पेमेंट हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता है अभी भी 5 रुपीज पे करना बाकी है? तो लिखोगे प्रिंटिंग चार्जेस आउटस्टैंडिंग, प्रिंटिंग चार्जेस आउटस्टैंडिंग 5 रुपीज। हाँ सर, ये समझ में आ गया। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट बताओ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस बोलो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चेक करो बेटा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 150 रुपया है, और उसके अगेंस्ट में पेमेंट कितना हुआ है? 141 का पेमेंट हुआ है। तो आपको नहीं लगता है अभी भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा 9 रुपीज? अरे मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करेक्ट है ना? कितना आउटस्टैंडिंग होगा? 9 रुपीज। ठीक है, आगे क्या लिखा है? सैलरी टू स्टाफ इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर 15-16। पहले है ना, ये करंट ईयर का चेक कर लो, करंट ईयर का चेक कर लो। करंट ईयर में कितना दिया है सैलरी? 1200 रुपीज दिया है। कितना दिया है? करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है? 1200 रुपीज का है, और पेमेंट कितने का हुआ है? 1300 का हुआ है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का एक्सपेंस सैलरी का जो दिख रहा है दैट इज 1200 रुपीज, लेकिन पेमेंट कितना दिख रहा है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में? क्या 1300 रुपीज का पेमेंट दिख रहा है? और ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है कि इंक्लूडिंग 15-16, मतलब ये जब पैसा गया होगा तो 1200 रुपया तो करंट ईयर का होगा, लेकिन आपको नहीं लगता है 100 रुपीज प्रीवियस ईयर का भी होगा? 15-16 मतलब कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर है। डोंट यू थिंक दैट ये 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग होगा प्रीवियस ईयर में? प्रीवियस ईयर में 100 रुपीज क्या होगा? आउटस्टैंडिंग होगा।
तो आपको नहीं लगता है ओपनिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए सैलरी आउटस्टैंडिंग? क्या आना चाहिए? सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 rupees आना चाहिए. यू ऑल अग्रीड विद दिस? ओके, अब मुझे बताओ बाकी तो कोई एडजस्टमेंट होगी नहीं, क्योंकि करंट ईयर का जितना एक्सपेंस था उतना तो पे हो गया. ऊपर से 100 rupees ज्यादा पे किया. 100 rupees ज्यादा क्यों पे किया? क्योंकि प्रीवियस ईयर में 100 rupees पे करना चाहिए था, लेकिन पे नहीं हुआ था. जो प्रीवियस ईयर में पे नहीं हुआ, क्या वो करंट ईयर में पे हो गया क्या? इसीलिए आपके पेमेंट साइड पे कितना दिख रहा है? 1300. देयरफॉर वी रॉट 100 rupees इन ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. डाउट है तो पूछो, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो डाउट पूछो. ओके, नेक्स्ट रेंट. किसकी बात कर रहा है? रेंट की. चेक करो रेंट कितना है. 520. लेकिन तुरंत पहले इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड पे देखो, क्या आपका रेंट का एक्सपेंस 600 rupees का है? रेंट का एक्सपेंस 600 है और ये 520 का पेमेंट हुआ है, तो डोंट यू थिंक दैट 80 rupees आउटस्टैंडिंग है? बताओ रेंट आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 80 rupees. ऑल अग्रीड विद दिस बच्चा? ओके, सब बोल रहे बच्चे, ठीक है सर, समझ में आया. व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद है मिसेलेनियस एक्सपेंस. चेक करो आपके पास मिसेलेनियस एक्सपेंस दिख रहा है क्या? एक्सपेंस साइड पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड पे कितना दिख रहा है? 110. उसका पेमेंट भी कितना है? 110. तो देयर विल बी नो इफेक्ट. ओपनिंग क्लोजिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी. ओपनिंग क्लोजिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी. उसके बाद फर्नीचर परचेज. बेटा फर्नीचर परचेज तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बनता ही नहीं है ना. फर्नीचर परचेज तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बनता ही नहीं है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है. कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज. इट विल बी पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट एसेट साइड. अग्रीड? बाय बैलेंस कैरिड डाउन. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां जाएगा? एसेट साइड में जाएगा. क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां जाएगा? एसेट साइड में जाएगा. कैश एंड बैंक. ओहो, एक मिनट सोमिल सर, एक 5 मिनट में एक लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, मैं फोन करता हूँ आपको. एक 5 मिनट्स. कैश बताओ, कैश कितना दिया है? 1374. इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ गया. ओके, अब चेक कर लो कुछ बच गया क्या आपके पास एक्सपेंडिचर में. चेक कर लो सब कुछ आ गया ना. वहां पे कोई डिप्रिसिएशन की बात नहीं की है, ठीक है. आपके पास देखो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है. सोसाइटी हैड द फॉलोइंग एसेट्स ऑन 31st March 2016. कौन सा ईयर है? 1516. कौन सा ईयर है? 1516 तो आपका प्रीवियस ईयर है. 1516 कौन सा ईयर है? आपका प्रीवियस ईयर है. तो क्या आपकी, हाँ, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का क्या बनता है? ओपनिंग बनता है क्या? मतलब क्या आपके पास ओपनिंग इन्फॉर्मेशन दे के रखी है? हाँ, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन दे के रखी है. तो लिखते जाओ ना फटाफट क्या क्या दिया हुआ है. फर्नीचर दिया हुआ है. बताओ फर्नीचर कितना आएगा? 2000 rupees. इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है. बताओ इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 4000 rupees. और क्या है? लाइब्रेरी बुक्स है. बताओ लाइब्रेरी बुक्स कितना है? 1500 rupees. इसमें कोई दिक्कत है? अब मुझे बताओ जो ओपनिंग में है वो क्लोजिंग में आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, डिपेंड्स मत बोलना. पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया और हम फर्नीचर लिखेंगे इनर कॉलम में. कितना लिखेंगे फर्नीचर इनर कॉलम में? हम फर्नीचर लिखेंगे इनर कॉलम में 2000 rupees. और उसमें ऐड करेंगे क्या करंट ईयर में फर्नीचर परचेज हुआ था? हाँ हुआ था. कितना परचेज हुआ था? 670 rupees का. चेक करो ना सर, उस पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करने का. अरे दोस्तों डेप्रिसिएशन होता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखता. होता तो माइनस करते, नहीं है तो माइनस नहीं किया. कॉमन सेंस. होता तो माइनस करते, नहीं है तो माइनस नहीं किया. कॉमन सेंस. मैम बोल रही है सर में कॉमन सेंस नहीं है, ऐसा कैसा? गलत बात, मैम गलत बोल रही है. हाँ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जैसा है वैसे का वैसे लिख दो. कितना लिखोगे? 4000 rupees. उसके बाद क्या होगा? लाइब्रेरी बुक्स. क्या लाइब्रेरी बुक्स भी ओपनिंग में था तो क्लोजिंग में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना. अगर बेचा होता तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में उसकी रिसीट दिखती. बेचा कहां है उसको? तो ओपनिंग में था तो क्लोजिंग में. और कोई डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे. यू ऑल अग्रीड विद दिस? जो मैं बोल रहा हूं उससे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है. चलो धनाधन बता दो. अब
ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बाकी सारे ट्रांजेक्शन हो गए, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा आपका, कैपिटल फंड होगा कि नहीं होगा? तो ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर 8250, वही कहां पे लिखोगे आप, 8250 क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखोगे क्या? चेक करो क्या आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब क्या सरप्लस दिया हुआ है, क्या कितना सरप्लस दिया हुआ है, 400 रुपीज, क्या इसको ऐड करेंगे क्या, ये सबको ऐड करके बताओ कितना आया, ये सबको ऐड करके कितना आया, 9070, वेरी गुड। और बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या, चेक करो, आपको समझा कि नहीं समझा, मैंने ये जो समझाया मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है क्या? हम लाइव वर्चुअल पढ़ रहे हैं लेकिन मुझे बताओ अंडरस्टैंडिंग 50-50% हो रही है, 90% हो रही है कि अंडरस्टैंडिंग 100% हो रही है? ओके, बच्चे बोल रहे हैं 100% हो रही है। चलो बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूं, मैं आज आपको है ना सिर्फ 10 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ओनली 10 क्वेश्चंस बेटा, नोट डाउन करो 10 क्वेश्चंस, नोट डाउन करो, ओनली 10 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, ओनली 10 क्वेश्चंस बेटा, ज्यादा नहीं दूंगा आपको, ठीक है? दर्शना आयुष बोल रहे ओके सर, 10 क्या 20 दे दो, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है दर्शना आयुष को 20 क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, लिखो होमवर्क के लिए लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, नहीं कल लेक्चर है बेटा, कल लेक्चर करेंगे, विल डू द लेक्चर टुमारो, कल मुझे एक बहुत लेंथी क्वेश्चन सॉल्व कराना है, क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करोगे, और एक मैंने क्वेश्चन आपको है ना व्हाट्सएप किया था, इसी जो पीडीएफ अभी रिसेंट पीडीएफ है ना उसी में ही है, क्वेश्चन नंबर 9 दो सॉल्व करना है, ठीक है दो ही क्वेश्चन बेटा आपके लिए, ओनली 2 क्वेश्चन, और आज जो क्वेश्चन सॉल्व करा है वो कर लोगे एक बार, ठीक है ना? तो चलो गाइज, विल सी यू टुमारो। हाँ, कल का टाइमिंग मैं ग्रुप पे डाल दूंगा बेटा, मैं थोड़ा टाइमिंग चेंज करूंगा, आई विल चेंज द टाइमिंग, बट आई विल अपडेट ऑन ग्रुप, ठीक है? ओके, टाटा बाय, टेक केयर, पढ़ाई करोगे बेटा, फालतू बना